नमस्कार दोस्तों, प्रेम सिर्फ अपने कार्य और ईश्वर से करिए, क्योंकि दोस्तों ये दोनों कभी भी आपको धोखा नहीं देंगे। नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों आज आपका 26 सितंबर दिन सोमवार कैसा रहने वाला है, आपको आने वाले समय में किन किन चीजों से सावधान रहना होगा, और आपको बता दे आने वाले समय में वो कौन कौन सी खुशखबरियां मिलने वाली हैं। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आज आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आपका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, आपका प्रेम संबंध कैसा रहेगा, और इसके साथ ही साथ आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में आज का संपूर्ण राशिफल बताएंगे। अगर दोस्तों आप भी अपनी राशि जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों आज सोमवार है, महादेव महाराज का दिन है। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट करिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आज के पंचांग की। आज का पंचांग है 26 सितंबर 2022 दिन सोमवार। आज की तिथि है प्रतिपदा। आज का नक्षत्र है हस्त नक्षत्र। पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष। दोस्तों आज सूर्यदेव उदय होंगे सुबह 6:11 पर। सूर्यदेव अस्त होंगे शाम 6:13 पर। दोस्तों आज का शुभ समय है सुबह 10:11 से दोपहर 12:24 तक रहेगा। अगर दोस्तों कोई शुभ काम करना है तो इसी समय करें, आपके लिए शुभ रहेगा। और साथ ही साथ आज का अशुभ समय है दोपहर 3:01 से दोपहर 3:49 तक। दोस्तों आज आपका लकी नंबर है 3 और लकी कलर है लाल और मेहरून। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों व्यापार में लाभ बढ़ाना और अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपको निरंतर प्रयास करना है। आज के दिन अपनी मेहनत के सही परिणाम आपको मिल सकते हैं। अन्य दिनों की तुलना में आज का दिन आपका अच्छा है। इसमें दोस्तों आपकी सफलताएं निखर कर सामने आएंगी। अगर आप मेहनत करने से नहीं डरते हैं तो निश्चित रहिए, क्योंकि दोस्तों अच्छे परिणाम आपका इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों आज का दिन चिंता भरा रह सकता है, जहां आपको अपने प्रयासों व मेहनत का मनचाहा परिणाम नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों उदास ना हो और कोशिश जारी रखिए, प्यार में आई बाधाओं को आप टाल देंगे। जीवन में कभी दुख होता है तो कभी सुख होता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो गोचर बन रहा है वो महादेव की कृपा आपके जीवन काल में प्राप्त करवाने वाला है। दोस्तों आप अपने अतीत में अगर कोई बहुत बड़ी गलती की है तो यहाँ पर आपको सुधारने का मौका मिल रहा है। जिनका आप अपने जीवन काल में अपने हाथों से अपनी किस्मत बदल सकते हैं, और साथ में दोस्तों जिन व्यक्तियों को दोस्तों आपकी खुशी देखी नहीं जाती है उनके जीवन की ओर से दोस्तों आपके लिए कोई बहुत ही बड़ी नोकझोंक हो सकती है, तो जितना हो सके दोस्तों आप उन व्यक्तियों से दूरी बना लें, जो व्यक्तियों से आपको लगता है कि ये आपके लिए बहुत ही खतरनाक स्थितियां उत्पन्न कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों ऐसे लोगों से आपका दूर रहना बेहतर ही है, जो लोग आपके मुंह पर आपकर होते हैं और पीछे आपकी बुराई करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ज़्यादा आपको अपनी इच्छा पूर्ति के हिसाब से ही अपना धन व्यय करना है, लेकिन दोस्तों अधिक धन व्यय ना हो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है, और अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। कभी कभार दोस्तों आपकी कही हुई बात किसी को आहत कर सकती है। अनावश्यक यात्रा से आपको परहेज रखना होगा। बिजनेस में किसी नए कार्य को लिया गया प्रयास आपके लिए सफल रहने वाला है। अच्छे ऑर्डर आपको मिलेंगे। जरूरी मीटिंग में भी आपको आमंत्रित किया जा सकता है। दोस्तों दिन का अधिकतर जो समय है वो परिवार जनों के साथ में आप बिताने वाले हैं। घर में सुकून और शांति का वातावरण रहने वाला है। प्रतिभा और योग्यता का भी आप पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ने वाला है। दोस्तों आपको बता दें कि जहां पर भी आपको लगता है कि आपका आदर सम्मान नहीं होता है, वहां से आप अभी तुरंत ही हट जाइए। दोस्तों ये आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि यदि आपके दुख का कारण आपको पता चल चुका है तो आप उसे दूर करने की कोशिश कीजिए।
दोस्तों, दुखी होने के सबसे ज्यादा कारण यही होता है कि जो लोग प्यार में धोखा खा जाते हैं वो लोग डिप्रेशन में दुखी रहते हैं। प्यार ऐसी चीज है, यदि आपको अपना मनचाहा प्रेमी मिल जाए तो आपको लगता है कि आपने पूरी दुनिया जीत ली है, और यदि किसी कारणवश आपका प्रेमी आपसे बिछड़ जाता है तो आपको ऐसा महसूस होता है कि दुनिया की सबसे बड़ी दुखी यानी कि सबसे बड़ी तकलीफ सिर्फ आप ही को मिली है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि जो चीज़ ईश्वर ने आपको दी है आपकी सही के लिए, वही दोस्तों ईश्वर आपसे छीन भी ले सकता है। एक बात आप ध्यान रखिएगा कि भगवान ऊपर से जोड़ी बनाकर भेजता है, और इनमें हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, नियंत्रण होता ही नहीं है। दोस्तों, यदि आपके नसीब में वे व्यक्ति लिखा ही नहीं है तो फिर उसके पीछे भागने से या फिर उसके लिए रोने पर क्या फायदा होगा। हम मानते हैं दोस्तों, यदि आपको प्यार में धोखा मिल जाए या फिर आपको मनचाहा साथी नहीं मिल पाता है तो आपको बहुत ही ज्यादा दुख होता है, तकलीफ होती है। लेकिन दोस्तों, आपको इस दुख को मात दे करके आगे बढ़ना होगा, क्योंकि जीवन हमेशा चलते रहना चाहिए। यदि आप किसी के बारे में बार बार सोचेंगे, बार बार डिप्रेस्ड होंगे, तो आपका जीवन रुक जाएगा, और दोस्तों ईश्वर ने आपको इस काम के लिए नहीं भेजा है। दोस्तों, आपको बता दें कि आपको भगवान से शुक्रिया अदा करना चाहिए कि कुछ भी बुरा होने से पहले आपको उनसे दूर होना पड़ा। दोस्तों, हम इस बात को समझते हैं कि शुरुआत में आपको बहुत ही ज़्यादा दुखद तकलीफ का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन समय के साथ साथ एक घाव भर जाता है। आपको केवल अपने आप को संभालना आना चाहिए और अपनी सेहत का भरपूर ध्यान रखना होगा। दोस्तों, आगे बढ़ते रहना है, पीछे मुड़ के मत देखिए। समय के साथ साथ सब कुछ सही हो जाता है, समय के साथ दोस्तों सब कुछ बदल जाता है, और दोस्तों आपके जीवन में बहुत प्यार करने वाला व्यक्ति आपको ज़रूर मिलेगा, बस आपको थोड़ी संयम रखने की आवश्यकता है। इसके साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि दुखी रहने का ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है जो लोगों को डिप्रेशन की बीमारी होती है, क्योंकि दोस्तों डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान कितनी भी हंसी मजाक कर ले, माहौल में रह ले, लेकिन दोस्तों उसके बाद भी उनका मन बहुत उदास रहता है, दुखी रहता है। यदि आपको बहुत समय से डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो तो दोस्तों आप किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट के पास में जा सकते हैं, और वहां पर आपको अपना उपचार करवाने की आवश्यकता होगी। दोस्तों, यदि आप डिप्रेशन की प्रॉब्लम है तो आप इनको इग्नोर बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि दोस्तों ये छोटी छोटी समस्या ही बड़ी समस्या बन जाती है। और दोस्तों, ईश्वर ने आपको किसी अच्छे काम के लिए भेजा है, ये आपको हमेशा याद रखना होगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि आने वाली नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।